अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 5 की 5.1 5.2 सिर्फ इस चैप्टर में मैंने सब द मोस्ट क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट चैप्टर इन द होल बुक ये है इसके सिर्फ टू एग्जांपल्स हैं छोटी सी अच्छा एग्जांपल नंबर 5.1 टू लेड स्फीयर्स ईच हैज अ मास ऑफ 1000 kg यानी कि उन्होंने कहा दो स्फीयर्स हैं और उन दोनों का मास क्या है दो स्फीयर्स हैं यानी कि एक बॉडी को हम कह देंगे मास m1 अच्छा सॉरी सर दो स्फीयर्स हैं एक बॉडी को हम कह देंगे जी m1 1000 kg एक बॉडी को कह देंगे हम m2 1000 kg ठीक है अब हमने सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया था कि अगर आप गिवन से ही बना लोगे ना और फार्मूला पुट कर दोगे न्यूमेरिकल आपका सॉल्व कैलकुलेशंस बेटा एज सच आई डोंट थिंक सो कि टीचर डिटेल में जाके चेक करता है उस मैं बीइंग अ टीचर मैं सिर्फ देखता हूँ कि बच्चे को हाँ न्यूमेरिकल पढ़ना आता है आता है क्या वो न्यूमेरिकल से गिवन बना सकता है डाटा जो होता है वो बना सकता है वो बना लिया चलो क्या इसको पता है कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा पुट कर रहे हैं 3 out of 4, 4.5 out of 5 या 4 out of 5 इतना डन है एंड भी उसको वही वैल्यू ना भी लिखे यहाँ तक ऐसे बंद करके 7 units भी लिखते हैं तब भी बात ख़त्म हो जाती है लेकिन आपने करना पूरा है ये कि तब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ जब आपके पास टाइम कम हो अच्छा जी सो आर कैप्ट इन देयर सेंटर्स अपार्ट यानी कि दोनों को एक दूसरे कितने डिस्टेंस कितना दिया गया उन्होंने 1 meter ठीक हो जी 1 meter यानी कि एक दूसरे के दोनों का फासला दो स्फीयर्स हैं यहाँ पर इनके पिक्चर बना देंगे एक ये स्फीयर एक ये स्फीयर m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 meter है ये तो फिगर आप खुद भी साथ देखें क्वेश्चन पढ़ के फिगर खुद बना देंगे तो एक ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ हो जाएगी देन उन्होंने क्या बताया फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं सोचूंगा यार बॉडी दी हुई है m1 m2 दो बॉडीज़ हैं और डिस्टेंस दिया हुआ है तो फार्मूला कौन सा लगेगा मैं खुद सोचूंगा यार क्या वैल्यू ऑफ जी उसमें तो दो हाइट होती हैं मास ऑफ द अर्थ का भी नहीं लगना तीसरा फार्मूला सिर्फ ये रह गया अच्छा जी तो अब जब आप फार्मूला लिखोगे बाय यूजिंग फार्मूला आपको याद होना चाहिए वो है F=g ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट m1 + m2/d2 अब ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट उसने नहीं दिया क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी जब आप देखोगे यार ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट मिसिंग है आप गिवन के अंदर यहाँ पे लिखना आपने गिवन की हेडिंग डालनी है आपने गिवन सो गिवन डालेंगे आप देन इसका नाम क्या है आप ऊपर चलेगा यार ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट ने दिया नहीं है तो इसकी वैल्यू आप खुद से गिवन में लिखोगे आप और इसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेविटी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर सिंपल यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर यहाँ पे आप जी की वैल्यू यहाँ पे डालोगे इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे डालोगे इसकी वैल्यू यहाँ पे डालोगे और डिवाइडेड बाय 1 तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं F=6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 न्यूटन क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन तो बच्चों ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5.1 अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 5.2 की तरफ
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जे, यानी कि हमने जे फाइंड करना है, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फॉर्म जेन में चाहिए यार, वेरिएशन इन जे हमने देखना है. अच्छा, एट द एल्टीट्यूड ऑफ दिस वन, यानी कि उन्हें दिया 1000 एल्टीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि हाइट. मास ऑफ द अर्थ आपको पता होना चाहिए, वो उन्हें फिर भी दिया हुआ है. और रेडियस क्या है ऑफ अर्थ इज 1600. तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे गिवन. गिवन क्या है आपको? गिवन है जी आपको रेडियस, सॉरी सबसे पहले आप देखेंगे आपको क्या है, हाइट गिवन है, एल्टीट्यूड वो गिवन है जी आपको 1000 किलोमीटर, और एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एच से. नेक्स्ट चीज आपको क्या गिवन है जी, मास ऑफ द अर्थ, इसको एम ई से लिखते हैं. ये आ गया 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 24 के जी. तीसरी चीज आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो 6400 किलोमीटर मीटर किलोमीटर. अच्छा, अब आप सोचोगे यार एक चीज़, एल्टीट्यूड गिवन है, रेडियस गिवन है, तो कौन सा टॉप लगेगा? तो वेरिएशन आप सोचोगे यार इसमें, इस चैप्टर में चार फार्मूले हैं. नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला का वो नहीं, ये नहीं लग रहा. वेरिएशन जी विद एल्टीट्यूड वो आ रहा है, क्यों वो आ रहा है, मास ऑफ द अर्थ तो लग ही नहीं रहा, ठीक है. और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फिर आप जब इसमें फार्मूला देखोगे जी आप जी एच, अच्छा साथ आप ग्रेविटेशन फार्मूला देखोगे आप, आपको लिखोगे जी मास तो अर्थ डिवाइडेड बाय प्लस एच का स्क्वायर. अब देखोगे यार जी है, जी की वैल्यू भी आपको पता है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. वैल्यू ऑफ जी आपने उठा के यहाँ पे डाल देनी है, आर आपने यहाँ पे पुट कर देना है, एच आपने यहाँ पे पुट कर देना है, इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है. मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 7.4. दोनों को जब हम करेंगे, या फिर आप ऐसे कर लो आप, 6400 प्लस 1000 का स्क्वायर. जब आप इनको सॉल्व करोगे, पहले आपने ये वाली टर्म देख लेना, इनको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. और ग्रेविटेशन है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बच्चों, ये हमारे हो गए हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स कंप्लीट, और बहुत इजी एग्जांपल्स अक्सर आ जाती हैं. प्रैक्टिस कीजिए. न्यूमेरिकल्स का सिंपल ये होता है, वो गिवन निकालना आता हो, डाटा लिखना आता हो, पता हो गिवन डाटा है क्या, फार्मूला में पुट करें और आंसर. सो बच्चों, सी यू नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.